A lawsuit filed by Hindu Sena in an Ajmer civil court has triggered widespread outrage across India. The suit demands that the historic Khwaja Moinuddin Chisti Dargah, one of the most revered Sufi shrines in the country, be declared as the Bhagwan Shri Sankat Mochan Mahadev Virajman Temple. Hindu Sena claims the Dargah was built on the site of an ancient Shiva temple. The petition filed by Hindu Sena Chief Vishnu Gupta on the 25th of September was scheduled for a hearing on Wednesday but was deferred to the 10th of October due to jurisdictional questions. In addition to seeking the redesignation of the site, the suit also calls for a survey of the Dargah by the Archaeological Survey of India to support the claim. ये जो अजमेर ख्वाजा दरगाह है जो आपको सभी को पता है और ये एक महादेव का मंदिर था पूर्व में जो कि ये ख्वाजा जो हैं जो मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे उन्होंने पृथ्वीराज चौहान से कितनी लड़ाइयाँ लड़ी सबको पता है ये उनके सलाहकार थे उसके बाद यहाँ पे जब उनकी मौत हो गई उसके बाद इसको वहाँ पे कब्र बना के उनकी दरगाह बना दी गई और हमने सारे साक्ष्य और सबूत हमने कोर्ट में पेश किए हैं। यहाँ म्यूनसिपालिटी के कमिश्नर रहे अंग्रेजी सरकार में और सिविल जज भी रहे उनकी बुक का हमने हवाला दिया है उन्होंने डीपली अपने बुक में लिखा है कि उसको फर्स्ट नज़र में पहली नज़र में भी देखा जा सकता है कि वो महादेव का मंदिर है और उसमें मंदिर के अवशेषों को उन्होंने इस्तेमाल किया है जो गुंबद है जिसको बुलंद दरवाज़ा कहा जा रहा है बुलंद दरवाज़ा में और जो छतरी है उसकी उसको प्रिमा फेसी आप देखोगे तो खुद पता चल जाएगा कि वो मंदिर का ही स्ट्रक्चर है क्योंकि जैन मंदिर और महादेव का मंदिर तोड़ के उसको स्ट्रक्चर खड़ा किया गया और जो नीचे जहाँ कब्र बनी हुई है ख्वाजा की वहाँ पर गर्भगृह है भगवान का और वहाँ शिवलिंग था और आपने देखा होगा जो पुराने लोग हैं वो जानते भी हैं कि बहुत समय तक एक ब्राह्मण फैमिली वहाँ पूजा भी करती रही तो लोकल जो अजमेर वासी हैं वो जानते भी हैं और हमने उस किताब के माध्यम से सारे साक्ष्य दिए हैं और हमारी पूरी टीम ने काफी रिसर्च किया इस विषय पे। Reacting to the development, Syed Sarwar Chisti, Secretary of Anjuman Syed Zagdan, the organization representing the Khadims, that's the priests at the Dargah, strongly condemned the move. He labeled it a frivolous claim and an attack on the holy shrine of Khwaja Garib Nawaz. Chisti added, and I quote, "This has deeply hurt the sentiments of millions of devotees, both Hindu and Muslim. Our commitment to peaceful coexistence should not be mistaken for cowardice." Khwaja Moinuddin Chisti ki Dargah जो है भारत की डाइवर्सिटी को प्रमोट करती है गंगा जमनी तहजीब को प्रमोट करती है हर धर्म जाति के लोग यहां आते हैं बट प्राइमरली ये सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा इस्लामिक इंस्टीट्यूशन है ये कोई खेल तमाशा या मजाक नहीं है इसको मजाक कतई तौर से ना समझा जाए और ये रोज रोज की इस तरह की चीजों को हम बर्दाश्त कतई तौर से नहीं कर सकते हमको फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए अगर हम पीसफुल को एग्जिस्टेंस चाहते हैं तो इसका मतलब नहीं कि कोई हम बुज़दिल हैं या डरपोक हैं गरीब नवाज के करोड़ों नहीं अरबों शहदाई हैं उसमें हर धर्म जाति के लोग हैं हमने कब किसी के धर्म के ऊपर किसी धार्मिक जगहों पर कोई प्रश्न चिन्ह उठाया है 2007 में 11 अक्टूबर को भी यहां बम ब्लास्ट किया उसमें 3 लोगों को उम्र कैद हुई भी है जबकि हमारा कोई कुछ कर देता है तो फांसी की सजा होती है उसमें जो वो क्या कहते हैं भावेश पटेल है वो आरएसएस का प्रचार रख रहा है इन तंजीमों पे बैन क्यों नहीं लगाया जाता है और ये कब तक हम इन चीजों को बर्दाश्त करेंगे। Meanwhile, AIMIM Chief Asaduddin Owaisi also weighed in on the controversy, directing his concerns towards Minority Affairs Minister Kiran Rijiju. In a post on social media platform X, Owaisi questioned the government's stance on the matter and the legal protection of religious sites. He asked Rijiju, and I quote, "What is the Minority Affairs Ministry's stand on this issue? Will you stand by the Dargah Khwaja Sahib Act of 1955 and the 1991 Places of Worship Act? Will you enforce the laws?"